आज का वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा कि कौन सा गाड़ी लेने की प्लानिंग हुई है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, आज का वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। गाड़ी का बुकिंग भी हो चुका है, किस दिन गाड़ी आएगी, कौन सा गाड़ी लिए हुए हैं, कौन सा कलर का गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कंपनी का है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, जो लोग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप बता दें। नया टेक्नोलॉजी है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें कि ब्रेक आपका नॉर्मल ब्रेक के ही जैसा काम करता है रहता है, डिस्क ब्रेक। बस उसमें इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के बाद डिस्क ब्रेक भी नॉर्मल ब्रेक के ही जैसा लगता है। दोस्तों, अब चूहा को लेके सड़क पे आ गए हैं, घर से बाहर जाते हैं, कुछ दूर पे खोल देंगे। दोनों बच्चा खुश है चूहा देख के। चालू करो, हम ही आपको पीछे चले। हम दोनों जा रहे हैं अभी उसका ई ई चूहा को फेंकने। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी सुबह का 7 बज रहा है, तो आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है, आज भी लगता है बारिश होने वाला है। हल्का हल्का हवा बह रहा है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि एक गाड़ी लेने की प्लानिंग बन रही थी, तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा कि कौन सा गाड़ी लेने की प्लानिंग हुई है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, आज का वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। गाड़ी का बुकिंग भी हो चुका है, किस दिन गाड़ी आएगी, कौन सा गाड़ी लिए हुए हैं, कौन सा कलर का गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कंपनी का है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इधर रात में जो है मुश्किल में चूहा फंसा है, बेबी उसी को लेके खेल रही है। चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला हुई हुई हुई। कहाँ याद है तुमको, फिर से बोलो। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, डॉक्टर को आज मंगलवार है, चूहे वेरी गुड। दोस्तों, इस मुश्किल में जो है चूहा आराम से घुस के बैठ जाता है, और चूहा हम लोग मारते नहीं हैं, इसीलिए जो है इस तरह का मुश्किल लाए हैं। मारने वाला भी मुश्किल सब था, तो वो वाला मुश्किल नहीं लिए हैं। इसमें आसानी से चूहा घुस के बैठ जाता है, और इसको हम ले जाके कहीं दूर जगह पे जो है मुश्किल से इसको आज़ाद कर सकते हैं। इधर से खोल देंगे ढक्कन, ढक्कन खुलने वाला है और ये निकल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चूहे को जाके उधर दूर जगह पे खोल देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे गाड़ी के बारे में, कौन सा बाइक बुकिंग हुआ है। मुश्किल ले लिए हैं हाथ में, लेके जाते हैं इसको, खोल देंगे कहीं दूर जगह पे। दोस्तों, अब चूहा को लेके सड़क पे आ गए हैं, घर से बाहर
जाते हैं कुछ दूर पे, खोल देंगे। दोनों बच्चा खुश है चूहा देख के। चालू करो ना, हम ही आपको पीछे चले। हम दोनों जा रहे हैं अभी उसका ई ई चूचुआ को फेंकने। चूचुआ चूचुआ मुसुआ। हमें को मत फेंक देना। क्या जंगल में आते हैं फिर हम लोग। यार पापा कभी ना देखे हमसे। हटो नहीं गए बेबी। उधर है कवर का। उधर है ना कवर का। स्पीड में चलो ना बेबी तू। क्या? और पीछे चलो ना। चुम्मा। इंटर। दोनों बच्चा आया है इसको छोड़ने के लिए, इसको आजाद कर देंगे अभी। निकाले पापा। ओ, निकाल दे पापा, निकाल दे इसको। इधर से इस ढक्कन को खोल देते हैं और ये चूहा चला जाएगा धान का खेत में। इधर धान का फसल है, देखिए निकलने वाला है चूहा। हटिए ना, हटिए ना, हटिए ना। निकल गया, निकल गया, निकल गया। ये किस तरह गया? उधर गया, धान का खेत में चला गया। उधर 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 चला गया, उधर बीच में, उधर उधर इधर आएगा। चलो 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 चलो। और चूहा को आज़ाद कर दिए। इधर पोखर में पानी है, इस साइड तो नहीं आने का संभावना है, कहीं दूर चला जाएगा। हम लोग चूहा को छोड़ के आ गए घर के पास। किधर किधर दौड़ रहा है? इधर से चलो। दोस्तों हम भी चूहा को छोड़ के आ गए हैं। क्या हुआ दोस्तों? अभी तक रोड नहीं बना है, कब तक में रोड कंप्लीट हो जाएगा इधर का पता नहीं। बाइक लेके आएंगे तो इसी पे सीखना पड़ेगा, सीखेंगे। दो चार बार इस पर चलाएंगे गाड़ी तो हाथ बैठ जाएगा। चलाए हैं, थोड़ा बहुत चलाए हैं, ज़्यादा चलाए नहीं है गाड़ी, इसीलिए हाथ साफ नहीं है। सबसे पहले गाड़ी को ले आके इसी पे ही सीखना पड़ेगा। दोस्तों अब लेट नहीं करते हुए आप लोगों को बताते हैं कौन सा गाड़ी बुक करवाए हैं। तो सबसे कम पहले कंपनी TVS का कंपनी का जो है रेडियन 110cc जो है बुक करवाए हैं, जिसमें कलर बाइक कलर डिजाइन ये वाला होगा।
इसका कलर बैगनी कलर है, बहुत अच्छा पसंद आया, सभी को पसंद आया घर में। पहले तो दोस्तों ये 20 वाला जो है इसी मॉडल में जो है 20 ब्रेक वाला चूज किए हुए थे, तो 20 ब्रेक अभी पहला पहली गाड़ी ले रहे हैं, इसीलिए 20 ब्रेक अच्छा नहीं होगा, प्लेन ब्रेक ही लेते हैं, चलाने में अच्छा होगा। इसी में 20 ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता तो ज़रूर ले लेते हैं 20 ब्रेक, लेकिन प्लेन डिस होने के कारण नहीं लिए, प्लेन डिस अच्छा नहीं होता है। जो लोग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप बता दें। नया टेक्नोलॉजी है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें कि ब्रेक आपका नॉर्मल ब्रेक के ही जैसा काम करता है रहता है, डिस्क ब्रेक बस उसमें इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के बाद डिस्क ब्रेक भी नॉर्मल ब्रेक के ही जैसा लगता है। जैसे कि आप ब्रेक हार्ड ब्रेक जब प्रेस करते हैं तो प्लेन डिस्क ब्रेक में आपका गाड़ी गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, और उसी की अपेक्षा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिस बाइक में है वो बाइक कंट्रोल हो के ही रुकती है। जैसे ड्रम ब्रेक, जैसे ब्रेक पुश करने के बाद रुक रुक के लगता है, उसी तरह एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी काम करता है। डिस्क ब्रेक में नया टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप ब्रेक लीजिएगा तो उससे रुक रुक के ब्रेक लगेगा और एक बाइक लॉक नहीं होगा ब्रेक, जिसके कारण आपकी बाइक अनकंट्रोल होने से बच जाएगी और आप कंट्रोल करके उसको रोक पाएंगे। तो यही है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, नॉर्मल डिस्क ब्रेक के अपेक्षा नया टेक्नोलॉजी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। बट रेडियन में डिस्क ब्रेक का टेक्नोलॉजी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं दिया है, इसको शॉर्टकट में ABS भी बोला जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो जिस बाइक में ABS लगा हुआ है बहुत ही अच्छा उसका ब्रेक अच्छा काम करता है। दोस्तों यही सब देखते हुए मैंने ड्रम ब्रेक ही चूज किया हूँ, बाकी आप लोग को कैसा लगा मेरा बाइक चूज करने की अनुभव, बाकी आप लोग भी बताएं वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में। डिस्क ब्रेक अच्छा होता है उसके लिए जो ब्रेक का अनुभव अच्छा है जिसके पास, प्लेन ब्रेक भी उसके पास अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो हमको गाड़ी का अनुभव ज़्यादा नहीं है चलाने का, इसीलिए डिस्क ब्रेक जो है चूज नहीं किए, नहीं लिए। तो ड्रम ब्रेक ही लिए, ड्रम ब्रेक में ये बैगनी कलर का गाड़ी बहुत अच्छा पसंद आया, यही बुक करवाए हैं। अब सपना से भी पूछ लेते हैं एक बार, एक ये वाला जो है कलर डिजाइन कैसा लगा सपना? हाँ। देखो ये वाला गाड़ी अच्छा है ना? हाँ, अच्छा। यही बुक करवाया है। अच्छा दोस्तों, पहला पसंद तो मेरा स्प्लेंडर प्लस का था, ढेर सारे रिसर्च करने के बाद मेरा मन बदल गया और लास्ट में जो है रेडियम TVS का रेडियम लेने का ही प्लानिंग बना है। स्प्लेंडर का अपेक्षा TVS गाड़ी का रेडियम नया जो है वर्जन में इसका माइलेज उसके अपेक्षा स्प्लेंडर के अपेक्षा अच्छा है, माइलेज के कारण ही
और इसका मॉडल भी लुक में कुछ डिफरेंस किया है, देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए जो है TVS का रेडियन ही चूज किए। इसका जो है लगभग प्राइस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइस है। प्राइस वगैरह के बारे में आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के देंगे। बाइक लेने जाएंगे तो शोरूम ओनर रिव्यू आप लोगों को एक नया वीडियो आप लोगों को देंगे, उसके लिए आप निश्चित रहें। प्राइस वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो आप लोग हमारा देखें। तो दोस्तों आज मंगलवार है, दो दिन बाद शुक्रवार को गाड़ी आने की संभावना है, शुक्रवार को आ जाएगी गाड़ी। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही तक रखते हैं, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को सारा कुछ बता दिए, कौन सा मॉडल कौन सा गाड़ी कौन सा कंपनी का लिए गए हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मैं शशि कुमार, फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।